नमस्कार, आज मैं आपके साथ में कॉर्न से यानी भुट्टे से झाझरिया बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। झाझरिया राजस्थान का एक प्रसिद्ध व्यंजन है जो बहुत ही लजीज होता है, बहुत अच्छा होता है और पौष्टिक भी है, और मौसम के अनुसार भी इसे बहुत बनाया जाता है। और इसकी एक खासियत ये है कि इसको यदि हम इसका रॉ मटेरियल एक बार तैयार करके रख दें और फ्रीज़र में रख दें तो आप इसको जब चाहें तब बना करके खा सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले इसको या तो आप इसमें कस लीजिएगा या भुट्टों को कस लीजिए, और इनकी कसना इस तरह से है कि इसका जो ये जो अंदर इसका जो बीच वाला नीचे वाला पोर्शन है, जो ये वाइट वाइट दिख रहा है, ये गुल्ली जिसको बोलते हैं, ये बचना चाहिए और ऊपर से केवल दाने दाने कसे जाने चाहिए। और यदि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आप इनके दाने निकाल लीजिएगा, और उसके बाद में हम इसको मिक्सी के अंदर डाल करके और इसको हल्का सा जो है मिक्सी के अंदर चर्न कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने इन भुट्टों को लेकर के इनके छिलके उतार दिए हैं और ये भुट्टे मैंने इस तरह से ले लिए हैं। तो अब हम इनके दाने निकाल लें, या आपको जैसा भी कन्वीनियंट लगे आप वैसा कर लीजिएगा। ये मैंने इसमें मक्की के दाने निकाल लिए, कॉर्न से भुट्टे से दाने अलग कर लिए। एक बात का ध्यान रखिएगा कि भुट्टे जो हैं वो कच्चे होने चाहिए। जितना कच्चा होगा, जितना दूधिया होगा, देखिए जैसे इसमें से दूध ये निकल रहा है, जैसे दूधिया होगा जितना, उतना हमारा झाझरिया बहुत अच्छा बनेगा। अब हम इसको अपने इस मिक्सर में डाल करके हल्का सा ऐसा इसको पीसना नहीं है बल्कि इसको इस तरह से करना है, हल्का दुरदुरा यानी दुरदुरा भी रहे और इसके हम छिलके अलग कर सकें। तो मैं इसका इसको थोड़ा सा चला करके इसके अभी हम ये हमने इसको हल्का दुरदुरा पीस लिया है। अब इसको हम निकाल करके इस परात में रखेंगे और थोड़ी देर इसको सूखने के लिए रखेंगे ताकि इसके छिलके को हम निकाल सकें, यानी इसका छिलका जो है वो थोड़ी देर जब हम इसको आधा पौन घंटे के करीब रखेंगे तो ये अपने आप हल्का सूखा सा हो जाएगा। और सूखा सा होने के बाद में इसको हम बिल्कुल ऐसे ही जैसे बाजरे की खिचड़ी बनाते हैं और उसका पहले हम छिलका उतारते हैं हल्का सा भिगो करके, ऐसे ही हम इसको सूखने देंगे। और फिर इसको जब इसका छिलका उतर जाएगा फिर हम इसे भूनेंगे। ये देखिए मैंने ये इसको आधा घंटे के करीब कपड़े पर डाल करके, एक सूखे कपड़े पर, सूती कपड़े पर डाल के रखा, और ये अब हल्का फरेरा हो गया है। अब हम इसको कढ़ाई के अंदर हल्का सा घी डाल के, थोड़ा सा घी डालेंगे हम, देसी घी में इसको बनाएंगे और डाल करके इसमें हम अपने इस पेस्ट को डाल देंगे। और अब इसे हम मध्यम आंच पर यानी सिंपल, मीडियम पर भी नहीं, सिंपल, कभी सिंपल करेंगे कभी मीडियम पर करेंगे। और इस तरह से हम इसको सेक लेंगे, ब्राउन होने तक सेकेंगे और ये सूख जाएगा तब तक हम इसे सेकेंगे, सिकाई करेंगे इसकी। और इसको जब हम सिकाई करके जब ये एकदम सूखा सा हो जाता है उसके बाद हम इसको जब चाहें तब, यानी आप एक महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में, या बिना मौसम के जब आप चाहें तब इसे हलवे की तरह से बना सकते हैं। जैसे हम हलवा बनाते हैं वैसे ही सेम इसका बनाते हैं। और इसमें हम पानी नहीं डालते, जैसे हलवे में हम सूजी के हलवे में पानी डालते हैं, ऐसे पानी ना डाल के हम उसकी जगह पर दूध डालते हैं। तो अब हम इसकी सिकाई करेंगे, देखिएगा। इसको बराबर चलाते हुए भूनते रहेंगे, कम से कम इसको 7 से 8 मिनट तक हम इसको इस तरह से भूनेंगे।
देखिएगा इसका पानी जो है वो सूखता जा रहा है और इसके दाने भी निखरते जा रहे हैं, जो क्रश हो गए वो भी अलग अलग होते चले जा रहे हैं। ये देखिए भुन गया है और मैंने इसमें से इसे दो जगह कर लिया, मैंने ये इसमें से निकाल के रख लिया और ये अभी बना दूंगी, इसका मैं झाझरिया बनाऊंगी। तो ये इसके अंदर अब जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है झाझरिया में, उसमें एक तो मक्की के दाने यानी कॉर्न यानी गीला वाला जो भुट्टा होता है, उस भुट्टे के दाने निकाल करके और इस तरह का बना लिया जाता है। और इसको आप रख भी सकते हैं, अब मैं इसको रख दूंगी ठंडा होने के बाद में इसको एयर टाइट डब्बे के अंदर फ्रीज़र के अंदर रख दूंगी। इसके लिए दूध चाहिए और थोड़ा मैंने इलायची पाउडर कर लिया है, देसी घी और शुगर, शुगर आप अपनी इच्छा से घटा बढ़ा सकती हैं। अब ये जब हमारा सिक गया है तो इसमें हम थोड़ा दूध डाल देते हैं और इसको बिल्कुल हलवे की तरह से ही पकाते चले जाएंगे। देखिए हमारा झाझरिया पक रहा है। आप चाहें तो मक्की के दानों को और भी बारीक कर सकती हैं, अगर आपको बारीक चाहिए तो आप उस समय ही इसको ज़्यादा पीस लीजिएगा। अब धीरे धीरे हम इसको इस तरह चलाते हुए और इसमें शुगर ऐड करेंगे, इसके अंदर ही हम थोड़ा सा घी भी ऐड करेंगे और इसको फिर से चलाना शुरू करेंगे। बहुत स्वादिष्ट होती है, पौष्टिक होता है, आप खाएंगे तो आपको देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसको फुल आंच पर हम इसे हाई फ्लेम पर इसको बराबर चलाते हुए हिलाते रहेंगे। ये देखिए गाढ़ा होने लगा है और इसमें अब हम अपना इलायची पाउडर भी डाल देंगे। ये सारा इलायची पाउडर मिक्स करके और इस गैस को बंद कर देंगे। थोड़ी देर में ये अपने आप ही थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। आपको अगर घी ज़्यादा खाना है या आपको ज़्यादा पसंद है तो प्लीज़ घी ज़्यादा डाल लीजिएगा, और अगर कम पसंद है तो कम डालिएगा, जैसे मैंने कम डाला है। और अब हम गैस को बंद कर देंगे। इसमें अब आप ये खाने के लिए तैयार है, आप खाइए औरों को खिलाइए और बहुत डेलिशियस स्वीट डिश हो जाती है ये, और मौसम के हिसाब से भी और बिना मौसम के भी आप अगर तैयार करके रखते हैं अपना इस पेस्ट को तो आप इसको खा सकते हैं। अगर आपको आप इसको बनाइए, अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिएगा। धन्यवाद।